Assalamu alaikum everyone, this is Samana Sir, your image consultant and grooming trainer. और आज इस नई टिप में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तरकीब लेकर, जिसमें हम प्रोडक्ट्स यूज़ करने जा रहे हैं नूर बाय जुगन काजम की। तो आप लोग को बताते चलूँ कि मेरी जो मॉडल इस वीडियो में मेरा साथ देने वाली है, इनका नाम है सोनिया। और सोनिया की जो स्किन टाइप है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सिलेक्टेड जो मैं हमेशा स्किन टाइप रखती हूँ ताकि आप लोगों को और उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो जो इस तरह की स्किन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव होने के साथ साथ अगर आप देखें तो लिटिल बिट ओपन पोर्स के साथ साथ बहुत लाइट एक्नी का जो है वो इशू भी पाया जाता है। ऐसे ही सोनिया, तो हमने ये देखना है कि हम इस तरह की स्किन के साथ मेडिकली प्ले नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ बात आती है प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की तो वहाँ आपके लिए सेफ जो है साइड बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। यू कैन प्ले सेफली बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज़ नेचुरल थिंग्स। सो जहाँ तक बात आती है नूर बाय जुगन काजम की, तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं। आज हम जो टिप यूज़ करने जा रहे हैं वो है उबटन अप्लाई करने की। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी मॉडल ने जो है वो पीले रंग का जोड़ा पहना हुआ है। तो आज की टिप ख़ास तौर पर उन ख़वातीन और उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी है और वो माइयों बैठ रही हैं। उबटन के बेशुमार तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज का जो उबटन नूर बाय जुगन काजम की तरफ से पेश किया गया है वो एक बहुत स्पेशल उबटन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए जो कि नेचुरल और प्योर चीज़ें हैं। तो जनाब, ये नूर बाय जुगन काजम की ख़ास बात है कि जो इनका उबटन बॉडी स्क्रब है, इसका बेसिकली जो काम है वो ये है कि वो जो आपकी डेड स्किन सेल्स होते हैं इसको रिमूव करता है, यानी कि इम्प्योरिटीज़ जो भी आपकी एनवायरमेंटल होती हैं स्किन के ऊपर उनको रिमूव करने में मददगार साबित होता है। तो जनाब, जहाँ बात आती है दुल्हन बनने की, वहाँ पर कोई भी भूल नहीं सकता कि उसने खूबसूरत दिखना है और यही उसका दिन है। तो आपका दिन है और आपने अपनी स्किन पर मेकअप अप्लाई होने बाद की बात है, लेकिन उससे पहले अपनी स्किन को हर तरह की इम्प्योरिटी से क्लियर करना ये हर लड़की चाहती है। तो नूर बाय जुगन काजम की जो ये प्रोडक्ट है, इसमें ख़ास चीज़ जो पाई जाती है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान के साथ टर्मरिक, टर्मरिक के बारे में कौन नहीं जानता जनाब। हल्दी जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और इसके साथ साथ रोज़ पेटल्स और दीगर बहुत सारी अशिया इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो आप ये देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से पाई जाती है। मैं इसको यूज़ करने से पहले ये ज़रूर देखूंगी कि जो मेरे पास मॉडल है उसकी स्किन टाइप कैसी है, क्योंकि इसकी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है। तो मैं इसको मज़ीद बेहतर और मज़ीद इसके लिए इजी बनाने के लिए क्या करूंगी कि इस उबटन के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगी। वो चीज़ें मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, मैं यूज़ करने जा रही हूँ। इसके बीच में शामिल करूँगी बेसन और साथ में थोड़ा सा रोज़ वाटर, ताकि इसको स्क्रब करने में मुझे आसानी हो। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली भी जब भी हम अपने फेस के ऊपर स्क्रबिंग करते हैं तो स्क्रबिंग करने के लिए आप पानी का जो है वो मदद लेते हैं, ताकि वो लिक्विड थोड़ी फॉर्म में आ जाए और आप उसको सर्कुलर मोशन में रब करते हुए प्रॉपर तरीके से एक्सफोलिएट कर सकें। तो जहाँ पर एक्सफोलिएशन की बात आएगी तो उसमें हम रोज़ वाटर इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे पास है ये। तो जनाब, नूर का स्पेशल प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल जो हमारे पास इस वक्त रोज़ टोनर है, रोज़ वाटर स्प्रे है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे टू मेक इट मोर गुड। तो जनाब, चलते हैं अपनी टिप की जानिब। तो जनाब, इस वक्त मेरी जो मॉडल है शी इज़ रेडी फॉर द एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन से पहले की मैं कुछ आपको नसीहतें करना चाहूँगी कि आपने सबसे पहले तो अपने फेस पे देख लेना है, चूँकि इस वक्त आप स्किन केयर रूटीन अपनी फॉलो कर रहे हैं, स्क्रबिंग करने जा रहे हैं, तो आपके जो बाल हैं वो फुल मैनेजेबल होने चाहिए। इस वक्त मेरे पास हेयर बैंड नहीं था, वरना मैं वो भी लगा कर आपको दिखा देती। तो आपने बिल्कुल अपने सर के बालों को सेव करना है। उसके अलावा जो दूसरी टिप है ये कि अप्लाई करने वाला
चूँकि अपने हाथ को एक्सफोलिएशन के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उसके हाथों में फिंगर्स में कोई किसी किस्म की रिंग या कोई किस्म किसी किस्म की भी प्रोडक्ट या एक्सेसरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऑलरेडी स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव होती है, तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं हाथों से तो कोई चीज़ लग के यू नो नुकसान होने का खतरा होता है। मेरे पास इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रब मौजूद है और ये दिखने में इस तरह से है। इसके अंदर मैंने डालना है बहुत थोड़ा सा बेसन, तकरीबन समझ लीजिए कि मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया, और उसके साथ ही मेरे पास चूँकि रोज़ वाटर रोज़ टोनर मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो डाल दिया, 1 टीस्पून के बराबर। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स इसको इतने अच्छे तरीके से करना है कि तीनों चीज़ें प्रॉपरली जो है वो यकजान हो जाएं। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी, ये अब आप लोग देख सकते हैं। बेसन डालने का जो ख़ास मकसद था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी मॉडल की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसके अंदर थोड़ी सी ऑयली स्किन पाई जाती है, थोड़ी सी एक्नी भी आपको दिख रही है, बिल्कुल लाइट स्पॉट्स और ओपन पोर्स भी हैं, तो क्या होगा कि वो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। ये बेहतरीन एक्सफोलिएटर जो है हमारा रेडी हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट के अंदर हल्दी का इस्तेमाल भी है, ज़ाफ़रान का भी, खुशबू तो उसकी बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की खुशबू है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी इसकी स्किन के ऊपर, तो उसके लिए मैं आप अपनी फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बेहतर तरीके से अप्लाई करने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी मॉडल के फेस पे अच्छे तरीके से जो स्क्रब है वो अप्लाई हो चुका है। अब इसको एक्सफोलिएट करने के लिए मैं हेल्प लूँगी इस टोनर की। मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा जो टोनर है वो अपने हाथ में डालूँगी। हाथ आपके प्रॉपरली क्लीन और क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप किसी भी कंपनी का रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब प्रोडक्ट किसी एक कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ उसी कंपनी की हेल्पिंग प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करें। इस वक्त जो रोज़ वाटर है वो एक हेल्पिंग प्रोडक्ट के तौर पे हमें मदद दे रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप नूर का ही जो रोज़ वाटर है उसको इस्तेमाल करें। अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करने के लिए आपने इसको सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से आपने अपनी फिंगर्स को मूव करना है, और आप ये गौर से देखिएगा कि मैं इसको एक्सफोलिएट करने के लिए किस तरीके से कोशिश ये करनी है कि ये ड्राई नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो चुकी है। अब हम फेस को वॉश करेंगे और आपको दिखाते हैं कि फेस वॉश करने के बाद स्किन की जो लुक है वो क्या आई है। थैंक यू जनाब, मेरी जो दुल्हन है वो माइयों के लिए तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सादगी जो आप दिख रही है इसके चेहरे के ऊपर। कोई मेकअप का इस्तेमाल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उपटन के बाद इसकी जो एक फाइनल प्रेजेंटेशन दी है उसके लिए मैंने इसके चेहरे के ऊपर हल्का सा सिर्फ फेस पाउडर का टच दिया है और लिप टिंट लगाया है, और उसके साथ साथ ये फूलों में ही बहुत सज रही है। जनाब ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक, और आप चलते हैं अपनी मॉडल की जानब और उसे पूछेंगे कि ये कैसा फील कर रही हैं। मैंने नूर बाय जुगन काज़िम का ये ओपन यूज़ किया और मैं अपनी स्किन को बहुत रिफ्रेशमेंट और शाइनी फील कर रही हूँ। मेरी स्किन बहुत
रिलैक्स फील कर रही है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसको इस प्रोडक्ट को यूज़ करें और मैं अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसको यूज़ करके। और सबसे एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए ये है कि मैं इन तीन चीज़ों को यूज़ करके माइंड की स्किन ग्लो ऑन रहा हूँ।